गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास फर्स्ट। हम हिंदी व्याकरण में पाठ दो स्वर और व्यंजन पढ़ रहे हैं। स्वर में ये जो है अ आ इ ई उ ऊ ऋषि ए आई ओ औ, और उसके बाद व्यंजन हमने पढ़ा। व्यंजन के कुछ वर्ण थे, उनके हमने अक्षर बनाए। अब आज हम पेज नंबर 12, पिक्चर दी हुई है, इसके आपको व्यंजन लिखने हुए हैं। टा से टमाटर, तो यहाँ पर आपको टा लिखना है। ठा से ठठेरा, डा से डलिया, ढा से ढक्कन, ता से तबला, था से थन, दा से दवा, धा से धनुष, ना से नल, पा से पनघट, फा से फली, बा से बस, भा से मा से महल, या से यमराज, रा से रथ, ला से लट्टू, वा से वन, शा से शलगम, शा से षटकोण, सा से सपेरा, हा से हल, शा से क्षत्रिय, ता से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी, श्रा से श्रमिक, ये भा से भवन। ओके, अभी आपको कुछ पशु और पक्षी दिए हुए हैं, उसके आधार पे आपको यहाँ पर ये कुछ अक्षर दिए हुए हैं, वो आपको लिखना है। जैसे ये गा लिखा है, गा से क्या होता है, गाय, ये गाय है आपकी, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर दिया हुआ दा और रा, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, बंदर, बंदर पे ऊपर बिंदी है तो ये आयोग वा अक्षर है। ऊंट, ऊंट में ऊपर चंद्र बिंदु लगेगी। भालू, शेर, जिराफ, तोता, केला, संतरा, पपीता, आम और अनानास। तो यह आपको पूरी एक्सरसाइज आज कंप्लीट करनी है। थैंक यू।